नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, वादे के मुताबिक V20 ऑफर का वीडियो लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूं। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 2024 अभी भी आप जीरो PV पर है और आपको ये V20 ऑफर का बेनिफिट्स लेना है तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी भी ये ऑफर का बेनिफिट ले सकते हो। सारा कुछ ये वीडियो में समझाऊंगा कि ये किस तरीके से अभी पॉसिबल होगा आपके लिए। ना सिर्फ इतना बट वीडियो में मैं आपको आज एक सीक्रेट टिप्स भी दूंगा। देखो, वो आप यूज़ करोगे, वो टेक्निक आप यूज़ करोगे तो आप बड़े आसानी से इसको अचीव कर पाओगे। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते, चलिए लेट स्टार्ट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये एक्चुअल में आप किस तरीके से इसका बेनिफिट ले सकते हो। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने जब ये ऑफर आई तो ये पोस्टर आया था, वहाँ पर पहले 500 PV लिखा था और सारे के सारे सेल्फ में करने थे आपको अक्टूबर से लेकर मार्च महीने तक, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने में अगर 500 PV करते तो 3000 PV के हिसाब से आपको ये V20 ऑफर का बेनिफिट मिलता था। फिर उसमें कुछ थोड़ा अमेंडमेंट हुआ, 700 PV अलाउड कर दिए गए, वर्बली 750 PV बोला गया है, पर मंथ आपके सेल्फ के 750 PV माने जाएंगे। बट उसके बाद क्या हुआ उसके बाद दोस्तों एक वापस से हमारे पास अपडेट आई कि अगर आपने दिसंबर या जनवरी में कुछ डाउनलाइन भी ओपन किए तो वो डाउनलाइन की मदद से भी आप ये 3000 PV अचीव कर सकते हो। डाउनलाइन आप कितने भी खोल लो लेकिन 3 डाउनलाइन आपकी मानी जाएगी, इसके अंदर आप इसमें क्लब करवा सकते हो। मतलब मोटा मोटी उसमें ये भी लिखा था कि पर डाउनलाइन आपको 500 PV अलाउड है मैक्सिमम, तो अब ये बर्डन थोड़ा आधा हो गया था हमारे लिए। कैसे, जो 3000 PV हमें पूरे अकेले को करने थे उसमें से 1500 PV चले गए तो अब हमारे पास था बर्डन सिर्फ 1500 PV का। उसके बाद वापस एक अपडेट आई, क्या अपडेट आई कि जो हमने आपको 700-750 PV बोले थे अब उसकी जगह पे आप अपने खुद के ID पे 1000 PV भी मान्य करवा सकते हो। देखो यहाँ पर भी एक कन्फ्यूज़न था, कल दो जन का फ़ोन आया था, ये 1000 PV जो है वो माने जाएंगे आपके जनवरी फरवरी और मार्च के, मतलब जनवरी के पहले मान लीजिए कोई महीने में आपने 1000 PV किए हैं सेल्फ पे तो वो तो मैक्सिमम 700 ही माने जाएंगे, बट जनवरी में अगर 1000 किए या फरवरी में या मार्च में करोगे तो वो पूरे 1000 के 1000 आपके काउंट हो जाएंगे। अब देखो इतने सारे कन्फ्यूज़न हो गए, अब आदमी कन्फ्यूज़ हो गया कि एक्चुअल में अक्टूबर से ये ऑफ़र चालू थी, मैंने कुछ डाउनलाइन भी ओपन कर दी, अब एक्चुअल में मेरे हुए कितने, मुझे खुद को पता नहीं है कि मेरे V20 ऑफ़र में PV कितने हुए। तो देखिए उसके बाद एक पोस्टर आया हमारे पास, क्या आया कि आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है आपको हमने अब आपके मोबाइल के एप्लीकेशन में दे दिया है, जिसके चलते आपको पता चलेगा कि आपके V20 ऑफर में अब तक के कितने PV हुए। अब ये एक्स्ट्रा डेटा में दिया गया तो मतलब ये एक्स्ट्रा डेटा है क्या? देखिए दोस्तों, जैसे आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन खोलोगे तो ये जो आप नीचे मैंने एरो बताया है वहाँ पर एक आपको अलग सा आइकन दिखता है कि एक्स्ट्रा डेटा। अब जैसे आप ये एक्स्ट्रा डेटा पे क्लिक करते हो तो आपके सामने पूरा एक चार्ट ओपन होके आ जाएगा, देखिए इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैंने एक चार्ट लिया मेरे डाउनलाइन का, अब देखो उसने शायद कोई दिसंबर में या जनवरी में डाउनलाइन ओपन की थी तो उसमें से जो मैक्सिमम एलिजिबल थी वैसी 3 डाउनलाइन इन्होंने काउंट की है। देखो उसने 4-5-6 भी डाउनलाइन ओपन की रहेगी लेकिन वेस्टेज ने कौन से काउंट किए, जिनके ज़्यादा मैक्सिमम PV है। अब ये केस में देख लीजिए उनका लेग 1, लेग 2, लेग 3, लेग 1 में 142 PV, लेग 2 में 96 PV और लेग 3 में 72 PV और उन्होंने खुद भी सेल्फ PV किए थे, तो ये सारा जोड़ जाड़ के अब हो गए 1573 PV उनके एक्स्ट्रा PV डेटा में शो कर रहे हैं कि आपके V20 ऑफर के लिए ऑलरेडी आपका सेल्फ और ये तीनों डाउनलाइन का मिलकर 1573 PV हो गए। तो अब बचे हुए 1427 PV उनको कब करने हैं, ये फरवरी और मार्च में कंप्लीट करने हैं। अब तीनों डाउनलाइन के मिलके काउंट कितने होने वाले, मैक्सिमम 500 PV। देखो ये एक्स्ट्रा PV से आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाता है, ये एक्स्ट्रा डेटा में जब आप अपना चार्ट देखते हो कैसे पिक्चर क्लियर होगा। अब उनको मालूम है कि लेग 1 के 142 PV है तो बचे हुए 358 PV और वहाँ से आप करवा सकते हो। अब ये 96 PV है तो 404 PV वहाँ से और आप निकलवा सकते हो और ये लेग 3 में से और आप 428 PV। तो मोटा मोटी अब उनको एक रफ आइडिया आ गया कि मेरे दोनों लेग से तकरीबन 400 PV और ऊपर वाले एक लेग से 350 PV के करेक्ट
मतलब 1150 पीवी तो मैं अभी भी ये 3 डाउनलाइन से करूँगा तो मेरे मान्य हो जाएंगे, लेकिन मुझे कम कितने पड़ रहे हैं? मुझे 3000 कंप्लीट करने के लिए मेरे को अभी भी 1427 पीवी कम पड़ रहे हैं। उसमें से 1150 पीवी ये 3 डाउनलाइन से अगर करवा लूँगा तो बचे हुए पीवी अभी भी मुझे मेरे सेल्फ आईडी पे करने पड़ेंगे। समझ रहे हो, इतना डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, भले वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। अब आपको पिक्चर क्लियर हो गया कि इस तरीके से आप आसानी से आप काउंट कर पाओगे कि अभी भी मुझे सेल्फ पीवी और कितने करने पड़ेंगे और मेरे ये तीनों डाउनलाइन से मैं और कितना करवा सकता हूँ। अब मुद्दा ये है कि मैंने लिखा था कि 0 पीवी भी है तो आप कैसे अचीव करोगे, तो ठीक है, ये तो एक आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि आप इस तरीके से एक्स्ट्रा डेटा में देख सकते हो कितना है। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलते हैं, हम 3 एग्जाम्पल के साथ इसको आपको एलोबरेट करके बताता हूँ पूरा डिटेल में, 3 अलग अलग एग्जाम्पल से चलिए आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए एंड ऑफ द जनवरी आप 1000 पीवी पे, ठीक है, और आपने कोई नई डाउनलाइन दिसंबर या जनवरी में ओपन की ही नहीं है, तो वो केस में क्या होगा? आपको सिर्फ करना क्या है, आपको फरवरी में 1000 पीवी कर लेने हैं अपने आईडी पे, सेल्फ आईडी पे, और मार्च में भी अपनी आईडी पे 1000 पीवी कर लेने, तो तीनों का मिलकर टोटल हो जाएगा 1000 पीवी, तो वो टोटल 3000 पीवी, और आप ये एलिजिबल हो जाओगे अपना V20 मेगा ऑफर के लिए। सिंपल, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप 500 पीवी पे, तो जनवरी महीना जो एंड हुआ तब तक आपका एक्स्ट्रा डेटा में आपके जो पीवी दिख रहे V20 ऑफर के वो 500 पीवी दिख रहे, तो ये केस में आपका क्या होगा? आप मान लीजिए फरवरी और मार्च में 1000 पीवी भी कर लोगे, अब तीनों का टोटल करो तो 2500 पीवी होगा, तो आप एलिजिबल ही नहीं होगे, क्योंकि रिक्वायर तो 3000 पीवी की है। तो ये केस में देखें दोस्तों, मस्ट रिक्वायर 1 न्यू डाउनलाइन विच ओपन्स इन दिसंबर या तो जनवरी। देखो, दिसंबर में या जनवरी में भले आपने एक डाउनलाइन ओपन की है और वो 0 पीवी है, फिर भी आप इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हो। किस तरीके से हो सकते हो? आपको सिर्फ उनके पास से, ये आपके 2500 पीवी हो गए, अब आपको फरवरी और मार्च के मिलके उनकी आईडी पे जो नई डाउनलाइन आपने ओपन की है दिसंबर या तो जनवरी में, फरवरी में जो नई डाउनलाइन ओपन करोगे उसको काउंट नहीं किया जाएगा, तो दिसंबर या जनवरी में कोई भी एक आपने डाउनलाइन ओपन की है उसके पास से फरवरी और मार्च में मिलके 500 पीवी करवा लोगे, तो आपके ये सेल्फ के 2500 पीवी और उसके 500 पीवी वो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3000, और आप ये हो जाओगे इसके अंदर एलिजिबल। ठीक इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, 0 पीवी का भी एग्जांपल देख लेते हैं। 0 पीवी में भी सेम होगा कि आप मान लीजिए कि अभी तक 0 पीवी पे हो और आपने 1000 पीवी फरवरी में और मार्च में कर भी लिए, तो ये केस में क्या होगा? आपको एटलीस्ट 2 डाउनलाइन ओपन की होगी रहेगी आपने। देखो, अब तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास इसके अंदर एलिजिबल होने के, इसलिए बोलते हैं कि एटलीस्ट नए लोगों को लाते रहिए भले वो महीने में उसने पीवी नहीं किया। अब ये केस में मान लीजिए कि इन्होंने दिसंबर या जनवरी में 2 डाउनलाइन अगर आपने ओपन की रहती, तो ये केस में अगर उनसे भी 500-500 पीवी करवा लोगे अब फरवरी और मार्च में, तो भले अभी तक आप 0 पीवी पे हो, आपकी नई डाउनलाइन जो खोली है वो भी 0 पीवी पे, लेकिन अभी भी आपके पास चांस है कि आप 1000 पीवी करके खुद के आईडी पे, और ये अब देखो ये 3 डाउनलाइन भी हो सकती है, तो ये केस में आपको सिर्फ 1500 पीवी साइड में करने पड़ेंगे आपके सेल्फ आईडी पे। ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप 0 पीवी पे हो और सिर्फ एक ही डाउनलाइन आपने ओपन किए तो भी आप नहीं अचीव कर पाओगे। अगर आप 0 पीवी पे हो और एटलीस्ट आपने 2 डाउनलाइन ओपन की रहेगी, 2 से ज़्यादा की रहेगी, मान लीजिए 3 की है तो तीनों काउंट हो जाएगी, तो आपको 1500। तो ये यहाँ पर नहीं रुकता, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ एक सीक्रेट टिप्स जो मैंने बोली है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इस तरीके से करके तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अब नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ, लेकिन जैसे आप ये एलिजिबल हो जाओगे जैसे मैंने बताया, तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको ये सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, बैग मिलने वाली है, वॉच मिलने वाली है, टी शर्ट मिलने वाला है, आपका ये स्टेशनरी किट मिलने वाला है, लकी ड्रॉ का कूपन मिलने वाला है, V20 समिट में जाने को मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है, और ये मेगा ऑफर में भी शायद आपका चांस लग सकता है ये लैपटॉप में या मोबाइल में जीतने के लिए। लेकिन बात करते हैं इन लोगों की दोस्तों, अब इन लोगों को क्या मिलेगा दोस्तों? आपको तो बहुत सारा मिल गया, इनको क्या मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, इनको भी मिलेगा एक एक टी शर्ट मिलेगा। अब आप बोलोगे आप ये नया ऑफर कहाँ से जेब से निकाला? नहीं दोस्तों, इनको भी एक एक टी शर्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा? इनको एक एक टी शर्ट मिलेगा, आपकी तरफ से मिलेगा।
अब देखो आपके तो सारे दरवाजे बंद हो गए थे, इतना बड़ा 20,000 का ऑफर लेने के जो दरवाजे थे आप बंद हो गए थे, और आप टोटली डिपेंडेंट है अभी इनके ऊपर ही कि ये लोग अगर 500-500 पे भी कर लेंगे तो ही मैं अब ये अचीव करने वाला हूँ। तो देखो इनको जो टी शर्ट है वो आप दोगे, एक तो वैसे भी आपको ये ऑफर में मिलने वाला है, दूसरा आप अपने अलग से खरीद के इनको दे दीजिए। तो सिंपल इस तरीके से कुछ ऑफर अब आपको नीचे पास ऑन करनी ही पड़ेगी। देखो डाउनलाइन जेन्यून है कर लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप अगर उनको मोटिवेट करोगे, बूस्ट करोगे, उनको भी अच्छा लगेगा कि चलो मेरी अपलाइन ने कुछ मेरे लिए किया। सिर्फ आप बोलोगे पीवी कर ले, पीवी कर ले, पीवी कर ले, तो उसको भी इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि इसमें इनका स्वार्थ छुपा हुआ है करके मेरे पीछे पड़े हुए 500 पीवी करवाने के लिए। बट आप कुछ एज अ टोकन ऑफ लव कुछ आप अगर उनको ये गिफ्ट के तौर पे दे देते हो कि भाई साहब आप अगर 2 महीने का मिलके 500 पीवी कर लोगे तो एक टी शर्ट मेरे तरफ से भी आपको अलग से दिया जाएगा। देखो अब उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ये V20 ऑफर में पूरा अचीव करने के लिए, तो ये केस में अब अगर आपके तरफ से टी शर्ट भी मिल गया तो वो खुश हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। देखिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए और तो अच्छी अच्छी अपडेट्स के लिए मिताली जोशी चैनल को आप अभी से लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों को शेयर करिए, और चैनल को अभी भी आप फर्स्ट टाइम आए हो या बार बार देख तो रहे हो वीडियो चैनल पर लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।